अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब कैसे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं और बैकग्राउंड में डीएसएलआर वाला ऐड कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ आपको तरीका बताते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां आपको स्टार्ट फ्रॉम फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। बाद यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, आप गैलरी में आ जाना है और यहाँ से अपनी पिक्चर उठा लेनी है जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आपने करना क्या है, आपने इस ओरिजिनल वाले आर्टिकल पर आपने क्लिक करना है, इस वाले पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाए, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज में आ जाना है, यहाँ पर इस इमेज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आ जाने के बाद आपने कोई सा भी अपना बैकग्राउंड उठा लेना है। तो ये देखें, हमारे पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड लग चुका है। तो आज फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें डीएसएलआर वाला ब्लर ऐड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे ये वाला ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला। अब आप ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कितनी अच्छी तरह से ब्लर हो गया है, बिल्कुल डीएसएलआर की तरह। अब आपने इस पर डन करना है। डन करने के बाद आपने यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। अब आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सैचुरेशन में आ जाना है, आपने इसको फुल कर देना है। सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कितनी अच्छी कलर टोन आ गई है। अब आपने पिक्चर पर क्लिक करना है। पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सैचुरेशन का, आपने इस पर क्लिक कर। क्लिक करने के बाद यहाँ से सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। तो देख सकते हैं हमारी पिक्चर कितनी अच्छी तरह से बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो को सेव कैसे करना है, आपने करना क्या, आपने इस आर्टिकल पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला आपको सेव का बटन मिल जाए, आपने इस पर क्लिक करने के बाद कर आपने पिक्चर को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।